हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन का मीनिंग जानेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन में कितने टाइप्स होते हैं वो जानेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। दोस्तों, सो चलिए बढ़ते हैं हमारे डायरेक्ट मीनिंग की तरफ, इकोलॉजिकल सक्सेशन की तरफ। सो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप में नहीं बताऊंगा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा। सो दोस्तों, इकोलॉजिकल यानी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट, सक्सेशन का मतलब होता है चेंजेस, यानी इन्वायरमेंट में चेंजेस आने को हम कहेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब आ जाइए मीनिंग की तरफ, द प्रोसेस बाय विच द मिक्स ऑफ स्पेशियस एंड इन्वायरमेंट इन ए गिवन एरिया चेंजेस ओवर टाइम इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस में क्या होता है, स्पेशियस और इन्वायरमेंट का मिक्सचर होते हुए, स्पेशियस और इन्वायरमेंट का मिक्सचर होते हुए जो भी आपको गिवन एरिया दिया गया है, गिवन रीजन दिया गया है, उसमें चेंजेस आने को हम इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे। दोस्तों, और एक बार रिपीट करता हूँ, ये एक प्रोसेस है जिसमें स्पेशियस और इन्वायरमेंट का दोनों का मिक्सचर होते हुए जो गिवन एरिया है उसमें चेंजेस आना, टाइम के साथ साथ चेंजेस आने को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे। एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आपको पूरा समझने आ जाएगा। दोस्तों, सो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक फोटो दिख रही होगी, पिक दिख रहा होगा, वो एक एग्जांपल है। दोस्तों, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वहां पर फॉरेस्ट का एरिया उग रहा है, लेकिन फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में सॉइल है, फर्स्ट में रॉक्स है, रॉक्स से जाते हुए जाते हुए पूरा लास्ट स्टेज पे आए तक वो क्या बन जा रहा है, वो लास्ट स्टेज पे आए तक वो एक अच्छा सा फॉरेस्ट बन जा रहा है। सो इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, जैसे टाइम बीतता जा रहा है, टाइम के साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उसे कहेंगे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी टाइम के साथ साथ इन्वायरमेंट में चेंजेस आने को हम कहेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो दोस्तों, ये आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मीनिंग पूछ सकता है, और उससे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये आपको पूछ सकता है, क्योंकि पिछले एग्जाम से मैंने पेपर रिफर किए हैं, ज़्यादा टाइम क्वेश्चन पूछ रहा है। सो दोस्तों, ये एक प्रिपेयर है, ये टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने टाइप के होते हैं। सो चलिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन की तरफ देखते हैं, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन के कितने प्रकार होते हैं। सो दोस्तों, दो प्रकार होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के, एक तो है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। फर्स्ट जानते हैं प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। दोस्तों, प्राइमरी सक्सेशन अक्योर्स इन एसेंशियली लाइफलेस एरियाज इन विच द सॉइल इज इनकैपेबल ऑफ सस्टेनिंग लाइफ। सो प्राइमरी सक्सेशन उस एरियाज में अक्योर होता है जहां पर लाइफ जीना नामुमकिन है, लाइफ जीना नामुमकिन है, यानी वहां की सॉइल जो मिट्टी होती है वो जीने नहीं देती, यानी जीने लायक नहीं होती है, उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। क्यों जीने लायक नहीं है वहां पर लाइफ, अब जैसे यहां पर एग्जांपल्स है, एज अ रिजल्ट ऑफ सच फैक्टर्स एज लावा फ्लोस, यानी जहां पर लावा आया सो हुआ रहता है। सो उसके बाद न्यूली फॉर्मड सैंड ड्यून्स, यानी नई मिट्टी आनी शुरू हुई है, जैसे रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में नई मिट्टी आती है, वहां पर क्या आप लाइफ जी सकते हैं, रेगिस्तान में क्या आप लाइफ जी सकते हैं, जी नहीं जी सकते। या तो फिर लावा जहां आया वहां पर क्या आप लाइफ जी सकते हैं, नहीं जी सकते। उसके बाद और रॉक्स लेफ्ट फ्रॉम ए रिट्रेटिंग ग्लेशियर, या तो फिर जहां पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर बचे हुए हो, क्या बड़े बड़े पत्थर के बीच में सोओगे, यहां पर एक पत्थर, यहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ, क्या आप उसके बीच में सोओगे, जी नहीं, नहीं सो सकते। सो प्राइमरी सक्सेशन यहां पर, यानी पहले भी लोग नहीं रहे हैं और यहां पर रहने लायक भी जगह नहीं है, उसे हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। उस जगह से चेंजेस आते हुए, उस जगह से जहां पर रहने लायक नहीं था, वहां से चेंजेस आते हुए जहां पर पूरी ग्रीनरी बढ़ गई, पूरा रहने लायक लोग आ गए, सो उसे कहेंगे हम प्राइमरी सक्सेशन। जहां पर पहले लाइफ जीना नामुमकिन था लेकिन अब लाइफ जी रहे हैं, उसे कहेंगे हम प्राइमरी सक्सेशन। अब सेकेंडरी सक्सेशन, यानी सेकेंडरी सक्सेशन अक्योर्स इन एरियाज वेयर ए कम्युनिटी दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड हैज बीन रिमूव्ड। यहां पर सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, पहले कम्युनिटी रईस होती, पहले कौन सी भी एक कम्युनिटी होंगे वो पहले यहाँ पर जिंदगी गुजारिश होती, बट अब वो उस जगह पर नहीं रहते। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, मैं एक जगह पे फार्मिंग किया था, एक 10 ईयर्स पहले किया था, 10 ईयर्स तक मैंने वहाँ पर फार्मिंग नहीं की, 10 ईयर्स पहले बहुत अच्छी फार्मिंग की थी, बट अब मैं वहाँ पर नहीं करता, और एक नया, अब मैं नया फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ उसी प्लेस पे,
तो मैं कर सकता हूं, या तो फिर उस प्लेस को हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन यहाँ पे यानी कम्युनिटी पहले रही सो है और अब वो कम्युनिटी वहां पर से निकाल दी गई है। इट इज टाइपिकली टाइपिफाइड बाय स्मॉलर स्केल डिस्टर्बेंस दैट डू नॉट एलिमिनेट ऑल लाइफ न्यूट्रंस फ्रॉम द एनवायरमेंट। यहाँ पर क्या हुआ होता है, यहाँ पर कुछ थोड़ा मोट या छोटा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ सो रहता है जहाँ पर पूरे लाइफ को या तो फिर पूरे न्यूट्रिएंट्स को नहीं निकाल फेंकता, यानी कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा। अब जैसे कुछ वेल्कनो आए होंगे या तो फिर अर्थक्वेक आया होगा उस ज़मीन पर, सो उस ज़मीन पर आया सो उसे बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जहाँ पर पूरे लाइफ रहते थे यानी ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स पूरे बर्बाद नहीं हुए, या तो फिर न्यूट्रिएंट्स जो बचे थे सॉइल में पूरे बर्बाद नहीं हुए, एनवायरमेंट में अभी बाकी है, वहाँ पर लाइफ जीने लायक है, उसे कहेंगे हम सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन यानी जहाँ पर लाइफ जीना नामुमकिन था और लाइफ नहीं जिए थे, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, लाइफ पहले जिए थे लेकिन अब निकाल दिए गए हैं, उसे कहेंगे हम सेकेंडरी सक्सेशन दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। सो एकोलॉजिकल सक्सेशन के तो ऊपर हमने आज की वीडियो में मीनिंग एंड टाइप्स दोनों देखे हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैंने एनवायरमेंटल स्टडी सिलेबस स्टार्ट किया था जो सारे सेम एनईपी के लिए पूरों के लिए सेम है सिलेबस। तो दोस्तों मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जहाँ पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।